क्योंकि मैंने सुना है श्रीलंका में बहुत बड़ा कट्टरवाद है कि अगर आप बुद्ध की तस्वीर अपने टी शर्ट पे भी लगाते हैं तो आपको जेल हो जाती है। कैसे हो सम्राट? हो मैं आ गया हूँ वापस। और देखिए, नेपाल घूमते घूमते ना बिल्कुल बाबा ही बन गए। मैंने अपना ये टिमर है ना, इसलिए खरीदा था कि ये यूएसबी से चार्ज होता है और ना मैं सफर के दौरान इसे कर पाऊँ, लेकिन मैं लेकर ही नहीं गया। अब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अगली बार लेके जाऊंगा इसको। नेपाल की ट्रिप के दौरान है ना, इस ड्रोन ने इतने शानदार इतने प्यारे प्यारे सीन कैप्चर किए ना कि मजा ही आ गया। लेकिन फिर भी है ना, हमको पूरी तरह छूट नहीं मिली थी ड्रोन उड़ाने की, लेकिन जहां भी हमें मौका मिलता था हम वहां ड्रोन उड़ा ही लेते थे। नेपाल के इस ट्रिप के दौरान हमने लुम्बिनी विजिट किया, जो कि बहुत ही ज्यादा सुखमय था। मतलब वहां जाके एक अलग ही फीलिंग थी, बहुत खुशी हो रही थी कि जिनके बारे में हमने पढ़ा था वो यहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद काठमांडू गए, उस दौरान हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत सी खास जगहों पर जाके विजिट किया। और सबसे बड़ी बात क्या है पता आपको? बाबा साहेब के इस फोटो के बारे में और भी जानने को मिला, जहां उन्होंने एक भाषण दिया था बुद्ध और कार्ल मार्क्स के ऊपर। अभी जब हम नेपाल से वापस लौट कर आ गए हैं तो हमें बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हमारे एक व्यक्ति से बात हुई जिन्होंने है ना ये दोनों जगह ढूंढ कर हमें उसके बारे में बताया। मुझे लगता है जब हम कुशीनगर वापस से जाएंगे तो एक ट्रिप वापस से नेपाल में उन जगहों पर किया जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? कम आराम है। ओमिक्रॉन हो गया क्या? माइक्रोन लग रहा है ओमिक्रॉन। अच्छा, मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो सबको पता चल जाएगा। और क्या, वो देखो पढ़ाई कर रही है और ये मस्ती कर रहा है, इसका कोई काम ही नहीं है। कैसे हो बच्चो? मेरे को मिस किया आपने, मेरी याद आई। बहुत याद आई। तो की पार्टी कर दो जल्दी से। की पार्टी, बाय बाय। और बॉडी किसकी बन गई आज? मेरी। रुचो, खाना खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। बहुत ही मजा आ रहा है यार यहाँ पे गाड़ी चलाने में, बिल्कुल अलग ही मजा आ रहा है यार। अपने शहर तो अपना शहर ही होता है। और युगल भाई कैसे हो? ब्लॉग देख रहे थे? युगल भाई मेरी याद तो नहीं आई आपको? बहुत ज्यादा याद आई। काम बहुत ज्यादा था। काम भी बहुत था, बहुत बार हुआ, अकेला था इसलिए। चलो कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं इंडियन पोस्ट, वो दो पड़े हैं, चलो उठा लो चलें। बस तो आ गए इंडियन पोस्ट, आप डाले आओ। चलो मैं भी चल रहा हूँ। दिखा क्या, देखो लाल जैकेट में स्मार्ट लग रहा है, रेड जैकेट में। इंडियन पोस्ट का कलर है ये, रेड का कलर है ये। अच्छी लग रही है, वास्तव में अच्छी लग रही। अच्छा, यहाँ का मौसम देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ गई। हमें तो सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है आपको? अभी नहीं लगी, शाम को सर्दी है। इतनी ज्यादा ठंड होती थी वहाँ तो, और यहाँ ऐसा फील हो रहा है जैसे कि है ना, बस क्या शानदार मौसम है, मजा ही आ जाता है यहाँ पे तो। युगल भाई लो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, ऐसी चीज लाया हूँ जो और कोई ला के दे नहीं सकता आपको। नेपाली करेंसी। क्या बोलते हैं? नेपाली रुपया। नेपाली जाना पड़ेगा इसीलिए तो। ये कुरियर आया हुआ है, ये देखो, ये सिग्नेचर वाली हुडी है। सिग्नेचर वाली हुडी है ना ये? हाँ, सिग्नेचर वाली। एक खोलना जरा इसको। तो अगर आप लोगों को भी सिग्नेचर वाली है ना हुडी चाहिए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार, एक तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की हुडी है ये। यहाँ पे युगल भाई कर रहे हैं पैकिंग, और आपको पता है कि हमारे जो वॉल्यूम्स है बाबा साहब के, वो अभी तक जो है नहीं मिल पाए हैं। हमारी अम्बेडकर फाउंडेशन पिछले 1.5 महीने से बात हो रही है, और वो कोई ना कोई, जैसे अभी 6 दिसंबर का प्रोग्राम था जिसमें हम भी इनवाइटेड थे अम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा, वहाँ गए थे, तो वो उसकी तैयारी कर रहे थे। उसके बाद अभी कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे करके वो हर रोज़ डेट चेंज कर रहे हैं, 4-5 दिन का टाइम मांग रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किताबें जल्दी से जल्दी अवेलेबल हों, क्योंकि वो किताब सबसे सस्ती, चीपेस्ट और हाई क्वालिटी होती हैं, और हम चाहते हैं कि
सब लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें इकट्ठा करोगे ना तो वो संभव नहीं है। आपको भी पता है कि बाबा साहब से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें हैं वो एक साथ नहीं मिल पाती हैं, तो किसी पब्लिशर से आपको कुछ मिलेंगी, कहीं से कुछ मिलेंगी, लेकिन अगर वो जो अम्बेडकर फाउंडेशन की बुक्स आपको मिल जाती है ना, तो मतलब आपका सारा मटेरियल एक बार में आ जाता है। चल रही है कोशिश, चल रही है। तो आज हमने कुछ सवाल लिए हैं और यहाँ पर पहला सवाल है, व्हाट वुड बी द राइट सीजन टू विजिट नेपाल। देखिए, अगर आपको ठंड पसंद है ना तो ठंड में चले जाना, अगर आपको गर्मी पसंद है गर्मी चले जाना। सीजन सारा ही अच्छे हैं, वहाँ कुछ ऐसा खास नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को ठंड सहन नहीं होती, इसलिए हमें परेशानी आई। जुगल भाई ग्रीन टी पियोगे? बिल्कुल, ग्रीन टी बनाते हैं जरा। हेलो, थैंक यू, क्या था? श्रीलंका क्या इसी साल जाएंगे, और अगर जाएंगे तो किस महीने में जा सकते हैं? अगर आप हमें फॉलो करते हैं ना बहुत टाइम से, तो आपको पता होगा कि ये हमारा मिनी टूर था, जो साउथ एशिया का बड़ा टूर है ना उसके आखिरी में श्रीलंका भी विजिट है हमारा, तो जल्दी ही आने वाले हैं, लेकिन अभी समय लगे, कम से कम 2-3 महीने तो मान के चलिए। भैया, नेपाल का जो आपका टूर अभी हुआ है, उस टूर का रूट और कितना एक्सपेंस आया है जरा बताने की कोशिश कीजिए। वो सारा कुछ जो है ना वो आशीष अपने ब्लॉग में कवर करने वाला है, तो आप उसका ब्लॉग देखिए, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और मैंने कमेंट टैब में भी डाला है हर एक चीज़। अगर ऑटो वाला भी है तो उसको कितना पैसा देना है, अगर बस वाला है तो कितना पैसा देना है, वो सब उसने कवर किया है। सारे ऑर्डर अभी हैं और अभी बहुत सारे और पैक हो रहे हैं वहाँ। पिछले एक हफ्ते से ऑफिस में नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई, उन सब चीज़ों को निपटाना है। ज़्यादातर काम है वो युगल भाई ने निपटा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे ना जहाँ पर समस्या आ रही थी, उन्हें सॉल्व करना है, तो थोड़ी देर। फाइनली जो आज का काम है वो पूरा हो चुका है, और अभी हम लोग है ना कुछ फोटो सेशन कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे अपडेट है ना इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, ऐसे अपडेट जो यूट्यूब चैनल पर भी नहीं डालते हैं, तो अगर आपको वो अपडेट चाहिए तो आप instagram.com/tathagatlive जाकर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। युगल भाई फोटो खींचो यार, लास्ट टाइम आपने फोटो खींचा था 10,000 लोगों ने लाइक किया था। अच्छा, लॉक कर रहे हैं, हमारी लिफ्ट जो है अभी तक खराब पड़ी है, बहुत समस्या हो रही है यार, लिफ्ट खराब है ना, जितने कुरियर वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब क्या करें, हमारे हाथ में नहीं होना हम सही करा देते, बाकी जो हमारे हाथ में हो तो हम कर ही देते हैं, पैसे टाइम पे दे ही रहे हैं। वॉल्यूम का तो मुझे कुछ पता नहीं, अलग ही हिसाब किताब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहे हैं। युगल भाई बोल रहे हैं कि कुरियर वालों की बदुआएं लग गई, बहुत भारी भारी उठा के लेके जाना पड़ता है वॉल्यूम, इस वजह से वॉल्यूम आना ही बंद हो गया हमारे। बाय बाय, बिल्कुल। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो 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 चलो। देखो ये मेरी टोपा फैमिली, ये मम्मा टोपा, ये बेटी टोपा और ये बेटा टोपा। कैसे हो टोपा फैमिली? बेटा वैसे भी टोपा ही है। ये देखो, ये बड़ा क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है, इसने अपनी लॉलीपॉप खा ली, अब अपनी दीदी की लॉलीपॉप छीन रहा था। क्यों लालची? लालची नहीं, बेईमान, बेईमान। आई ना, थोड़े दांत बाहर आ जाएंगे, बता रहा हूँ मैं। आई थिंक यू शुड स्टार्ट अगेन शूटिंग फॉर दलित दस्तक और एनीथिंग न्यू यू कैन स्टार्ट। आई नो यू आर वेरी क्रिएटिव, यू कैन डू इट, मे बी दिस विल आल्सो प्रोबेबली गेट वन ऑफ देम ट्रेंडिंग। जिस तरह से बाकी के यूट्यूबर्स जो हैं वो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग भी दलित दास्तान एक रियल लाइफ स्टोरीज के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, और शायद गलती से वो ट्रेंडिंग पे आ सकती है, लेकिन उसे बहुत 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 मेहनत लगती है। कोने से झांक रहा है, बोल रहा है खाना दे दो, खाना दे दो। कितना समझदार है, अंदर नहीं आता, वहीं रहता है बस। ला रहा हूँ। इतना सुहाना मौसम लग रहा है ना मुझे ग्वालियर का, क्या बताऊँ मैं आपको, कितने आराम से घूम रहे हैं। ठीक है, जहाँ गए थे वो भी एक अलग मज़ा था। जब सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकारा, तब उन्होंने अपना जीवन किस तरह जिया? तक मैं जानता हूँ कि उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, मतलब कि 84,000 स्तूप और जहाँ जहाँ बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें थी वहाँ स्तंभ लगवा कर, वहाँ की चीज़ों को डेवलपमेंट करवा कर, वहाँ से श्रीलंका ये बुद्धिज़्म को पहुँचा कर और बहुत सी जगहों पर इनको पहुँचाया गया। उन्हें लगता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक मानव तक पहुँचना चाहिए। माउंट एवरेस्ट कब दिखाओगे भैया? मेरा रिप्लाई इन्होंने दे दिया।
ठंड, इतनी ठंड, माउंट एवरेस्ट जाके मरना था क्या? हैबिचुअल नहीं हुए, धीरे धीरे जब हो जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट में भी जाके झंडा गाड़ के आएंगे, चिंता मत करो। खुशीनगर मुझे लगता है कि हम है ना हो सकता है एक या डेढ़ महीने के अंदर अंदर विजिट कर लें, क्योंकि मेरा प्लान तो वहीं जाने का था, लेकिन जो एंड मौके पे हमारी फ्लाइट टिकट कैंसिल हुई उसके बाद हमें 2 दिन लगातार ट्रैवल करने के बाद भी हम खुशीनगर नहीं जा पाए, और आशीष की तबीयत खराब हो गई, मतलब को वो माहौल नहीं बन पाया, लेकिन बहुत जल्दी विजिट करेंगे। आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? कोशिश यही है कि बाबा साहब की वो चीज़ें जिनके बारे में आज तक लोगों ने सिर्फ सुना है, हम जाकर देखें और आपको भी दिखाएं। बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को लोगों तक दिखाएं। मतलब यहाँ पर ये दिखाने का मकसद है कि जो जो हमारे ऊपर एक कालिक पोत रखी है ना कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो चीज हम क्लियर कर पाए। हम आपसे जुड़े लगभग 3 वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन हम साबित कैसे करें? साबित करने की जरूरत ही क्या है यार, आपने बोल दिया मैंने मान लिया। भाई अन्ना भाव साठे के बारे में पता है आपको क्या? नहीं है तो प्लीज चेक करो और अपने चैनल पर भी बताओ। बिल्कुल 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 पता है मुझे, और मैं जब भी महाराष्ट्र जाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे महान हस्तियों को मुझे कवर करना है, और मैं हमेशा कवर करता हूँ। महाराष्ट्र इस बार नहीं जा पाया, लेकिन सोच रहा हूँ जल्दी जाऊँ। लगभग आज के सारे सवालों का जवाब दे दिया मैंने, कुछ एक छूट गए क्योंकि देखिए सारे सवालों का जवाब मैं दे नहीं सकता, लेकिन आपके इन सवालों से है ना मुझे ये पता चल जाता है कि आप लोगों की क्या सोच है और आप लोग किस तरह के वीडियोस मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा लाइट चालू कर लूँ जरा। जो भी ब्लॉगिंग शूट करते हैं ना वो लाइट का ख्याल रखा करिए, ताकि ये ना वीडियो की अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप लोगों को दे सकें। और आने वाले टूर्स जो है ना मैं प्लान कर रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया का, लेकिन उसके लिए है ना मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है ना वो एक्सपायर हो चुका है, उसको बनवाना है, फिर बजट चाहिए और स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्योंकि वो जो पूरा टूर है ना वो 2 लाख से ऊपर का है। और अगर उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं ना तो हमें ये पता चलेगा कि साउथ एशिया में किस तरह से बुद्धिज़्म के ऊपर काम हुआ है, वहाँ बुद्धिज़्म कैसे पहुँचा, वहाँ के लोग बुद्धिज़्म को किस तरह से देखते हैं, क्या वहाँ पर भी बुद्धिज़्म का मतलब टूरिज़्म है, या वहाँ बुद्धिज़्म को कुछ अलग तरीके से देखा जाता है, क्या वहाँ कट्टरवाद है, क्योंकि मैंने सुना है श्रीलंका में बहुत बड़ा कट्टरवाद है कि अगर आप बुद्ध की तस्वीर अपने टी शर्ट पर भी लगाते हैं तो आपको जेल हो जाती है, ऐसे बहुत सारे केस वहाँ से आए हैं। तो इन सब जगहों को जाकर आप लोगों को भी दिखाने के लिए ये सब चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो कि अगर मैं वहाँ जा पाया तो। कोशिश तो मेरी पूरी है, नेपाल का ट्रिप भी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि इतना फंड नहीं था, बट कैसे भी वो मैनेज हो गया, उसी तरह से शायद ये भी मैनेज हो जाएगा। तो कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।